नमस्कार। कौन बनेगा विधायक के इस अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे मांधाता विधानसभा के अगले दावेदार के बारे में। मांधाता विधानसभा के अगले जिस दावेदार के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है नारायण पटेल, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और मांधाता विधानसभा में पिछले कई वर्षों से लगातार सक्रिय हैं। चूंकि नारायण पटेल जो हैं, ये गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं और मांधाता विधानसभा में गुर्जर समाज के 30,000 से अधिक मतदाता हैं और यही वजह है कि नारायण पटेल की दावेदारी को प्रबल माना जा रहा है। इसकी साफ वजह यह भी है कि ये स्थानीय निवासी है और इन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव वर्ष 2013 में 61,000 मत प्राप्त किए थे और मात्र 4,227 मतों से ये जीत के जो फासले से चंद कदम दूर रह गए थे। नारायण पटेल ने इसी विधानसभा से अब तक के पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में सर्वाधिक मत कांग्रेस को दिलाए, यानी 61,000 मत जो है इन्होंने कांग्रेस को दिलाए थे इनकी अपने चुनाव के समय, और यह रिकॉर्ड आंकड़ा है। सब सर्वाधिक मत पाने वालों का अगर बात करें तो ये है नारायण पटेल। पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2011 से मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के पद पर रहते हुए किसानों की आवाज को बुलंद करते चले आ रहे हैं। बलड़ी ब्लॉक में इन्होंने वृहद किसान सम्मेलन आयोजित करवाकर तत्कालीन सहकारिता मंत्री से किसानों को लाभ भी दिलवाया था। जिला मत्स्य पालन महासमिति में रहते हुए नारायण पटेल ने मछुआरों के हित में भी आवाज बुलंद की और उन्हें न्याय दिलवाया। तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रमुख दावेदार नारायण पटेल की। नारायण पटेल जो कि मांधाता विधानसभा के अंतर्गत आने वाली बलड़ी ब्लॉक में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और विभिन्न समितियों में अलग अलग पदों पर रहते हुए इन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है। जैसे कि जब ये शिक्षा समिति में थे तो इन्होंने जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 500 से अधिक बेरोजगार युवक युवतियों को शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षाकर्मी के पद पर रोजगार दिलाने में मदद की। तो इस तरह से बात हम कर सकते हैं कि नारायण पटेल इस क्षेत्र के सक्रिय राजनेता हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए समय समय पर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। नारायण पटेल की बात कर रहे हैं तो नारायण पटेल जो हैं ये युवक कांग्रेस के माध्यम से पोलिंग बूथ समितियों का इन्होंने जब गठन किया था और उस गठन के बाद से इनका सभी कांग्रेस की पोलिंग बूथ कमेटियों से जीवंत संपर्क बना हुआ है, यह भी इनका एक प्लस पॉइंट है। अब इनके राजनीतिक पकड़ की बात करें तो ये मांधाता विधानसभा के ग्रामों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जीवंत संपर्क में हैं। चूंकि इस सीट पर गुर्जर और राजपूत और आदिवासी बाहुल्य सीट है और इन्हीं का दबदबा है, और लेकिन ये अकेले एक ऐसे नेता हैं जो कि गुर्जर होते हुए राजपूत और आदिवासी समाज और गुर्जर समाज, तीनों समाजों में इनकी अच्छी खासी पैठ है, इनकी अच्छी पकड़ है, इनके अच्छे संपर्क हैं। इन्होंने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में जो है महामंत्री रहते हुए अनेक सामाजिक आयोजनों में भाग लिया है और समाज को मितव्ययता की ओर अग्रसर भी किया है। बलड़ी शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलवाया है, यह तो मैं आपको बता चुका हूँ। नारायण पटेल की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने इस क्षेत्र में विभिन्न समितियों के, प्रशासनिक समिति हो चाहे सहकारिता समिति हो चाहे पंचायत की समिति हो, विभिन्न समितियों के चुनाव लड़े और सभी में जीत हासिल की, यानी कि ये अब तक पराजय योद्धा की तरह जो है अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। सिर्फ पिछले चुनाव में ही जब भाजपा की लहर थी और इस लहर के कारण इन्हें जो है ये विधानसभा में विधायक बनते बनते रह गए, क्योंकि भाजपा की लहर थी और उसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ा था। चलिए अब बात करें इनके राजनीतिक कॉन्टेक्ट की, तो ये कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी के
पसंदीदा नेताओं में गिने जाते हैं, यानी कि क्षेत्र से नारायण पटेल को अरुण यादव पसंद करते हैं। इसके अलावा दिग्गी राजा की बात करें तो जब दिग्गी राजा नर्मदा परिक्रमा यात्रा लेकर निकले थे तब भी इन्होंने काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं जुटाई थी, लेकिन सबसे खास बात वह यह रही कि जब बाबा बुखारदास के आश्रम में परिक्रमावासी दिग्गी राजा के साथ पहुंचे थे और ठंड का मौसम था, तब ऐसे मौसम में इन्होंने सभी परिक्रमावासियों को कंबल उपलब्ध करवाया था, जिसकी दिग्गी राजा ने काफ़ी प्रशंसा की थी। तो इस तरह मान सकते हैं कि टिकट के प्रबल दावेदार है कांग्रेस से नारायण पटेल, और क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि इन्हें टिकट मिले ताकि ये क्षेत्र का विकास कर सके। तो आज हमने बात की नारायण पटेल के बारे में। इसी तरह हम आपको समय समय पर अन्य विधानसभाओं के बारे में बताते रहेंगे। खंडवा की मानधाता विधानसभा से आज के लिए बस इतना ही, और इस बुलेटिन को बनाने में हमारे विशेष सहयोगी मैं करामत खान का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी आपसे अगले बुलेटिन में। देखते रहिए MP News Network और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।